अभी हम आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर के अंदर म्यूजियम। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज मैं मौजूद हूं अभी वृंदावन में दोस्तों, और आज है दूसरा दिन। दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में आपको इस्कॉन टेंपल, केसी घाट और निधवन के जो निधवन है उसका विजिट कराऊंगा। दोस्तों वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं। इस्कॉन टेंपल का मुख्य द्वार है ये, या ये है इस्कॉन टेंपल की टाइमिंग। दोस्तों इस्कॉन मंदिर में आप यहाँ जूते जमा कर सकते हैं, बैग भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ इस्कॉन टेंपल में, इस्कॉन टेंपल। दोस्तों ये दृश्य है इस्कॉन टेंपल का, आरती का समय है। यहाँ आपको देसी जो देश के आए पर्यटकों से विदेशी पर्यटक मिलेंगे। यहाँ देखिए लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं, और बहुत ही अच्छा ये मंदिर बना हुआ है। जितने प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो यहाँ सभी जगह ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो विदेशी पर्यटक हैं वो देखने को मिलेंगे। कैमरे पर आप देख सकते हैं विदेशी श्रद्धालु जो नृत्य कर रही है। यहाँ प्रतिदिन एक ही भजन चलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और निरंतर यही भजन चलता रहता है। यहाँ आप देशी और विदेशी भक्तों के भक्ति का नज़ारा एक साथ देख सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर के अंदर म्यूजियम में, और म्यूजियम में बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर भी देखिए आप इन सबको देख सकते हैं। ये नारद जी हैं, और आगे जितनी भी झांकियाँ यहाँ लगी हुई हैं इस्कॉन टेंपल में वो आप सब देख सकते हैं। जो हमारा ये इस्कॉन टेंपल है उनके जो कह सकते हैं मैन, इन्हीं के नाम पर बनाया गया है। बाकी ये देखिए और भी झांकियाँ। इधर ये हमारी पृथ्वी का एक ग्लोब है, मदरटॉन पेटी है, और इसके बाद में यहाँ पर गौ माता के साथ ये क्या कहते कुछ झांकियाँ हैं। और इधर भी ये देखिए कृष्ण जी की जो प्रतिमा है वो सामने दी गई है। यहाँ मेरे पीछे ये देखिए पृथ्वी ग्लोब है। और जो यहाँ ये मंदिर इस्कॉन टेंपल बनाया गया है उनके ये देखिए पीछे प्रतिमा लगी हुई है, इन्हीं के नाम पर ये मंदिर बनाया गया है। ये म्यूजियम है। इस मंदिर की भव्यता अलौकिक है भाई, ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ मंदिर है। क्या है दोस्तों इस्कॉन मंदिर के इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।